हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे गार्डन के पौधों को हरा भरा रखने के लिए उन्हें समय समय पर फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे जिसे आप घर पर बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने प्याज का छिलका ले लिया है। ये मेरे किचन में इस्तेमाल होने वाले 2-3 दिन के प्याज के छिलके से इकट्ठा हुआ है। प्याज के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक तथा पोटाश बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें सल्फर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस प्याज के छिलके का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में अवश्य ही करें। ये बिल्कुल फ्री का है और हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसे मैं एक बाल्टी में ले लूंगी, आप किसी कंटेनर में भी ले सकते हैं। छिलका यहाँ ज्यादा है तो मैं बाल्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम 2 से 2.5 लीटर पानी ले लेंगे। कंटेनर में आप 1 लीटर पानी, छिलका कम है तो 1 लीटर ही पानी लें। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे जरूर अपने गार्डन में बनाएं और इस्तेमाल करें। पानी भरने के बाद इसे किसी ढक्कन से अच्छे से ढक देंगे और छाए वाले स्थान पे 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। 2 से 3 दिन में ये बहुत अच्छे से डीकम्पोस्ट हो जाएगा। तीन दिन बाद देखिए, मैंने इसे छान लिया है, इसका कलर कितना चेंज हो गया है और पानी भी कम हो गया है। गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा घट गया है, तापमान इतना ज़्यादा है कि पानी भी घट जा रहा है। तो इसमें हम आधा और पानी मिला लेंगे। बराबर मात्रा में पानी मिला के इसे पौधों में दें। एक गमले में आधा मग के करीब पानी दें, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।